पंजाब बजट विधानसभा में हो सकता है हंगामा। विपक्ष ने कल बजट पेश करते हुए भी जताया था विरोध, किया था वॉकआउट। पंजाब विधानसभा में बजट 2023-24 को पेश किए जाने के बाद आज इस पर बहस होने वाली है। शुक्रवार विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह सांधवा की तरफ से बजट के बीच में किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद अनुमान है कि कांग्रेस व विरोधी पार्टियां आज सदन में जमकर हंगामा कर सकती है। गौरतलब है कि भगवंत मान सरकार की तरफ से शुक्रवार अपना पूर्ण बजट पेश किया। खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने इसे पढ़ा। मंत्री चीमा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का मूल 1,96,462 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल से 26% ज्यादा रहा। 2022-23 में पंजाब का कुल बजट 1,55,860 करोड़ रुपए था। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर रहा। स्कूलों में पहली बार स्टेट मैनेजर लगाने का ऐलान किया गया, जो वहां का रूटीन कामकाज देखेंगे। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने बजट 2023-24 में पंजाब के साथ धोखाधड़ी की है। ऋण बढ़कर रिकॉर्ड 3.47 लाख करोड़ रुपए का हो गया और GSDP अनुपात में बकाया ऋण 46.81% है। सरकार का दावा है कि इससे राजस्व में वृद्धि हुई है, लेकिन राजस्व घाटा दोगुना हो गया है और राजकोषीय घाटा 34,784 करोड़ रुपए आंका गया है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।